घोड़े कभी रेस में जीता नहीं करते, इस बात पे तो आप लोग एग्री करते हो ना, मानते हो ना कि अगर आपने लंगड़े घोड़े पर दाव लगाया है तो आपका हारना तय है, जीतने की सारी उम्मीदें खत्म, क्योंकि आपका लंगड़ा घोड़ा जीत नहीं सकता। ठीक है, इस लंगड़े घोड़े का नाम है एडीएस एक्सचेंज, और इसके बारे में बहुत पहले अपने दोस्तों को मैं आगाह कर चुका था का मतलब समझ रहे हो, अब आपके पास टाइम जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट मैसेज है और डायरेक्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से है, आपके सामने रखूंगा, वीडियो ध्यान से देखना, आपके पैरों तले से जमीन फिसल जाएगी और कानों में से धुआं निकल जाएगा। जो दोस्त मिस्टर टैग की वीडियो पर भरोसा करते हैं, बातों पर भरोसा करते हैं, वो मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बहुत टाइम पहले आगाह करने के लिए डाली थी तभी देखकर सुधर गए थे, समझ गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी जय एडीएस की धुन में हैं, नशे में हैं, उनसे कहना सिर्फ इतना सा कि आँखें खोलो, बचना है तो, नहीं तो 1 से लेकर 100 तक के सारे लीडर, अब मुझे कुछ नहीं कहना, आगे मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना और समझना, और लगे आपको कि हर सच्ची खबर रियल तरीके से इस चैनल पे आपके सामने रखी जाती है तो वेलकम है आपका, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पे सेलेक्ट कर लेना, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, जो सच है, जो जैसा है सिर्फ वैसा ही दिखाया जाएगा, क्योंकि ये मिस्टर टैग का चैनल है और मैं उन दोस्तों का साथी जो भटके हुए हैं। राहुल सर नमस्कार, मैं आपके साथ पहले कांटेक्ट में था और आप बिजी रहे तो बात नहीं हो पाया, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग एडीएस एक्सचेंज? आपका रोमेरियो और राहुल भरद्वाज, मैं एक ब्रॉन्ज लीडर था, मेरा 10,000 टीम था और मैंने सच्चाई के ऊपर आवाज़ उठाया तो मेरा आईडी को ब्लॉक कर दिया है, अगर आप थोड़ा मुझे हेल्प करेंगे तो मैं कंपनी को पूरा बंद कर दूंगा, क्योंकि आवाज़ उठाने के बाद कंपनी बंद होगा, मैं एक हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ और मैं उनके ऊपर तो केस करने जा रहा हूँ लेबर ऑफिस में, तो आप अगर थोड़ा मुझे हेल्प करेंगे बहुत अच्छा होगा, थैंक यू। सर ये जो वॉइस नोट आपने सुना है ये एडीएस के कोर कमेटी में से आते हैं, एक मेंबर जिनकी 10,000 की टीम है उनका है, कोर कमेटी का मतलब समझते हो, कंपनी की प्राइवेट कमेटी, तो सोचे प्राइवेट कमेटी से मैं से ही लोग परेशान हैं, तो तुम जैसे लोगों की क्या औकात यार, मैं तुम जैसे लोगों उन्हें बोल रहा हूँ जो YouTube पर आंखें बंद करके JDS गाते जा रहे, मैंने देखा बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, उनमें से बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आज हम बताएंगे ADS का न्यू अपडेट, आज कैसे पैसे निकालना है, अरे भोसड़ी वालों पौंद लाल होने वाले हैं तुम्हारे, आगे का मैसेज देखो पहले। थैंक यू वेरी मच राहुल सर एंड मिस्टर टेक सर, आपने मुझे और भी हौसला बढ़ा दिया और बिल्कुल मैं कंपनी के खिलाफ जाऊंगा, इसलिए क्योंकि कंपनी हम लोगों को मैंने चीटिंग किया है, क्योंकि कंपनी उसका मॉडल प्लान जो था, कंपनी उसका लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोगों का सहारा लिया और आज हमारा लोग बहुत परेशान है, उनको क्रिप्टो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैंने जब एक बंदे के बात को लेके आवाज़ उठाया, वो बंदा का पाइल्स प्रॉब्लम था, लेकिन वो बंदा को किसी ने 28,000 रुपीज़ दिया था, उसी समय 10 पैसा कॉइन था, तब वो बंदा बेड रेस्ट में था और उसका अकाउंट में इतना ट्रांजेक्शन हो गया था, उसका ट्रांजेक्शन में कोई मैंने ट्रांसफ़र नहीं होता था लेकिन आता था, इसलिए वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, 14-15 दिन के बाद जब वो पैसा उसको रिटर्न करवाया उसी समय 40 पैसा हो गया था, वो बंदा बोला कि 40 पैसा हो गया है, मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, तो ये बंदा उसको पैसा रिटर्न करवाया लेकिन उनके आईडी को ब्लॉक कर दिया था। जब मैंने कोर कमेटी मेंबर था, रोमारियो मुझे कोर कमेटी में मेंबर किया था, क्यों, उड़ीसा का प्रॉब्लम, और जिन्होंने हम लोगों को फ़ोन करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, हम उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन मैं अगर वो बंदे के ऊपर आवाज़ उठाया, क्या मेरा गलती हो गया इसी बात को लेके रोमारियो मेरे आईडी को ब्लॉक कर दिया है, जो कि मेरा डेली 5,050 रुपीज़ इनकम था और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो राहुल सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप ऑल इंडिया लेवल पे आवाज़ उठाइए यूट्यूब में, और मैं भी देखूँगा सब चैनल में, मैं डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट करूँगा, जो टीवी सब जगह पर अवेलेबल है, मैं कटक हाईकोर्ट में बिल्कुल इस बात को लेके हर जगह पर मैं पहुँचाऊँगा, टीवी न्यूज़पेपर यूट्यूब सब मोबाइल पर ये होगा। राहुल सर इतना मुझे हेल्प कीजिए, मैं देखिए क्या करता हूँ,
मैं रोमारियो को बोला कि तुमने हमारा आईडी क्यों ब्लॉक किया, वो बोल रहा है कि सीएमडी ने किया है। ठीक है, मैं भी सीएमडी सर को भी बोलना चाहता हूँ, उस सीएमडी सर को मैंने वर्ल्ड का नंबर वन दर्जा दिया था कि वर्ल्ड का नंबर वन ओनर है। अगर सीएमडी सर जानते हैं कि मैं कुछ गलत काम नहीं किया है, मैं सच्चाई के ऊपर आवाज़ दिया है, उसके बारे में बातचीत करना चाहिए, किसी को विदाउट एनी नोटिस ब्लॉक कर देना नहीं चाहिए। मैंने भी कुछ गलत काम भी नहीं किया है, इसलिए राहुल सर मैं आपको मेरे बात कुछ बोला है और बहुत कुछ बोलने बाकी है, आप इस कार्यवाही को आरंभ कीजिए, शुरू कीजिए। और अभी मैं लेबर कोर्ट जा रहा हूँ क्योंकि हर जिले में लेबर कोर्ट अवेलेबल है, लेबर कोर्ट में लेबर ऑफिसर इसका कार्रवाई करेगा, फिर कंपनी का क्या हालत होगा। अगर मैं कंपनी को बंद नहीं कर दूंगा ना, मेरे नाम से कुत्ता पालेंगे, मैं भी देखूंगा। मेरा आईडी तो ब्लॉक किया, अगर मेरा आईडी को अनब्लॉक भी किया ना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्यों आपने इतना हिम्मत किया मेरे साथ छेड़छाड़ करने के लिए, मैं भी दिखाऊंगा एडवोकेट का पावर क्या है। और जनता जनार्दन होता है, लोगों को डरा के धमका के रखा है, पूरा हिटलर शासन कर दिया ये लोग, कोई भी आवाज नहीं निकलेंगे। सर मुझे आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए यूट्यूब में, और बाकी का चीज मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। मुझे आप लोगों से कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जिसका साथ दे रहे हो वो सिस्टम एक लंगड़ा घोड़ा है, और लंगड़े घोड़े पर आप सवारी की जा रहे हो। मेरी कोशिश ये है कि मैं जितना हो सके उतने लोगों को डूबते ही नाव से निकाल लूँ, नहीं तो साथ में डूब जाओगे, ये बात तय है, ये सीक्रेट बात है। मुझे कोई शौक़ नहीं है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का, लेकिन उस शादी में मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे पहले से बातचीत करते थे, पहले से मुझे जानते थे। मैं कभी अगर उन्हें समझाने की कोशिश करूं तो वो मुझे एडीएस का भविष्य दिखाने लगते थे, और भविष्य क्या है आपकी आंखों के सामने है। अगर इसको देखकर भी आपका आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर भैया अपनी आंखों पर ऐसे हाथ रख लेना और फिर से गाने लगे जय एडीएस जय एडीएस। लेकिन याद रहे कि आंखें बंद करने से दिन में रात नहीं हो जाती, आप आंखें बंद रखो या खुली रखो, सूरज तो चमकता रहेगा। याद रहे आप आंखें बंद करो और जे डी एस गाते रहो, पिछवाड़ा लाल होने वाला है, ये बात भी तय है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैसेज में आपने बिल्कुल देख लिया होगा। ठीक है, मैं होता कौन हूँ, मैं भैया मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जो जैसा चल रहा है वैसा दिखा सकता हूँ, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर कुछ ही पेश करना मेरा काम नहीं है। ना ही मैं लोगों से ये कहता हूँ कि आप आने वाले समय के लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, आपके सामने हर के सामने गाड़ी टिकी होगी, बगलट नहीं यार। हमेशा से कहता आया हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, सिस्टम जैसा है वैसा दिखाओ आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आप लोग करते क्या हो, सिस्टम को ज्वाइन किया और कैसे भी हो साम दाम दंड भेद सब लगाकर लोग हमारे नीचे जुड़ना चाहिए बस। अब देखिए इन्होंने 10,000 की टीम बनाई थी, बैठ के रो रहे हैं, और मैसेज ये है कि अब ये किस करने जा रहे हैं। आगे की अपडेट अगर समय टू समय लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जो केवल सही और सच्ची बात बताता है। नहीं भी आए पसंद वीडियो तो डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं अपने उन दोस्तों के लिए काम करता रहूँगा जो मेरी वीडियो को देखकर मुझे भरोसा करते हैं। मिलूंगा किसी न्यू धमाकेदार अपडेट के साथ, टाटा बाय, धन्यवाद।